So firstly, I would like to thank TEDx and Chittagong University for having me on this stage. So I'm a computer science engineer by qualification and an entrepreneur by profession. I'm a founder of tea and food cafe chain named Chai Nagri. Uh, honestly speaking guys, almost four years back, I was also the part of audience, listening to speaker learning from the sessions and always dreamed to be the part of this big event and here I am, humbled and honored to be able to share my journey, my story in front of you guys. So, I belong from a typically service class family and also from a middle class background. I was very average in my studies in my school days, hardly take passing marks every year. But my parents want me to be a computer science engineer, like many Indian families do these days. So, I decided to choose this path and i took admission in this university i was doing good in my studies and also in the activities but there is something missing in me i always thought maybe i was not meant for coding but fortunately in my university there is a beautiful culture of startup they gave us a lot of chance to explore new things mentorship uh, sessions and whenever i took session i always thought that this is the thing i want to do i also want to do uh, go on stage and uh, Give lessons to students, want to do my startup. So one day, uh, I along with my two friends went to a chai thari. So chai thari is something which we used to see every nook at corner these days in India. So we always used to have one chai and one fan there. And I always thought one thing the taste of chai is good, but the variety of tea, the hygienic of that place, and the quality of the product they are using is totally missing. Guys, right? 65% of Indian tea.

क्योंकि इतना बड़ा मार्केट दिख रहा था और मैं अपने माइंड में बिलियन डॉलर कंपनी बना चुका था सो आई थॉट दिस इज द आइडिया आई अप्रोच माई टू फ्रेंड्स माई बेस्ट फ्रेंड्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी कि यार दिस इज़ माई आइडिया आई वॉन्ट टू डू दिस एंड आई वॉन्ट यू टू बी विद मी ऑल्सो सो वन पर्सन इज़ वेरी टेकी गाय तो ही सेट ठीक है आई एल टेक केयर ऑफ कोडिंग बिकॉज आई एम वेरी जीरो इन कोडिंग तो आई आई सेट कि ठीक है आई एल टेक केयर ऑफ सेल्स सो एवरी डे आफ्टर यूनिवर्सिटी ऑन बाइक कोई भी वेदर हो बारिश धूप एनी थिंग यू यू कैन सी ऑन माई फेस दैट इज अ पार्ट ऑफ दैट सर्वे तो मैं और मेरा दोस्त एवरी डे वी वेंट टू पंचकूला आफ्टर द कॉलेज हमने तीन रेडी वाले रोज सोचे हुए थे कि हम उनके पास जाएंगे उनसे सर्वे करेंगे वी हैव ह्यूज लिस्ट ऑफ सर्वे एंड ट्राई टू कन्विंस दैम ऑफअर आइडिया सो वील गेट टू नो दैट दीज रेडी वेंटेज आर नॉट ऑथोराइज सो वी हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम मुंसिपल कॉपोरेशन वी वेंट टू मुंसिपल कॉपोरेशन एवरी डे विद ह्यूज पीपिल Every day एवरी denied, डेनाइड denied, denied, denied. and one day he said यार बच्चे पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं इनको चेकलिस्ट पकड़ा दो इतनी बड़ी चेकलिस्ट दे दी हमें दे सेट की ये चेकलिस्ट जब पूरी हो जाएगी तब हम इनको ऑथराइजेशन दे देंगे सो so, हम इस पर वर्क करना शुरू कर दिया ऑलमोस्ट सिक्सटी टू डेज कॉन्टिन्यूसली आफ्टर माई यूनिवर्सिटी टाइम हम ये काम कर रहे थे हमने ट्राई किया उन्हें कन्विंस करने का बट एट लास्ट वी फेल बिकॉज सम्रीड बट मैनी डेंट बिकॉज दे हैवे फीयर कि कल को हमारी रेडी लेके ना भाग जाएं ऐसे बहुत से फेयर उनके अंदर थे तो वो नहीं कर पाए सो आई वॉज रियली सैड कि मेरा आइडिया तो शैटेड हो गया बिल्कुल एंड इमिडिएटली द नेक्स्ट डे द मोस्ट अवेटेड पार्ट फॉर माई फैमिलीज़ केम दैट इज़ अ कैंपस प्लेसमेंट तो न्यूज़ आती है कंपनीज आने शुरू हुई कैंपस प्लेसमेंट हो रहा है एंड आई टोल्ड माई फैमिली दैट मम्मा कैंपस प्लेसमेंट शुरू हो गए तो so, पापा मम्मी कहते हैं कि ठीक है अब तुम्हारा आइडिया वाला काम तो खत्म हो गया अब तुम प्लेसमेंट में बैठो तो वी आल्सो डिसाइडेड माइट बी पेयर हम सिर्फ प्लेसमेंट के लिए बने हैं वी ऑल थ्री

और जब भी हम लंच करने नीचे आते थे तो मुझे फिर वही रेडी वाले सामने दिखते थे तो आई ऑलवेज थॉट यार कि ये रेडी वाले फिर दिख रहे हैं दोबारा से आइडिया पूरा घूम रहा था माइंड में बट ठीक है एक महीना गुजरा और आई गॉट माई फर्स्ट सैलरी सो मी एंड माई फ्रेंड्स प्लान टू हैंग आउट इन सम फूड जॉइंट्स वी वेंट देयर अगेन आई वॉन्टेड द सेम थिंग द चाय इज़ अ स्टेपल ड्रिंक ऑफ इंडिया इट कम्स इन डिफरेंट कलर्स विद डिफरेंट बेनिफिट्स डिफरेंट टेस्ट एंड वाई कॉफी हाउसेज आर सो मच फेमस एंड टी हाउसेज आर नॉट दैट टाइम आई थाट कि यार मेरा पैशन क्या था बचपन से पापा ने पहले वॉशरूम जाना है ऑफिस से तो भी चाय चाहिए वॉशरूम के बाद ऑफिस जाना है तब चाय चाहिए ऑफिस में चाय चाहिए ऑफिस के बाद चाय चाहिए लड़ाई होगी तो घर में दोस्तों को चाय चाहिए फ्रेंड्स ने घूमने जाना है तो चाय चाहिए, चाहिए तो चाय तो, तो हर जगह थी और मैं ये बचपन से देखता आ रहा था तो माई पैशन इज चाय एंड माई ड्रीम इज़ टू गेव एम्प्लॉयमेंट नॉट टू बी एम्प्लॉयड माई सेल्फ सो मैंने डिसाइड किया देन आई डिसाइडेड कि थ्री मंथ जॉब करूँगा बिकॉज आई एम ऑल्सो नेशनल बैडमिंटन प्लेयर फ्राम कुरुक्षेत्रा आई एम अ बिल्कुल देसी बॉय हरियाणी तो मुझे इंग्लिश नहीं आती थी बिल्कुल भी सो आई थॉट ठीक है यार अब बोलना है तो तीन महीने इंग्लिश तो सीखनी पड़ेगी तो आई थाट कि तीन महीने जॉब करूँगा आफ्टर थ्री मंथ आई एल रिज़ाइन एंड आई एम गुड इन सेल्स ऑल्सो तो तीन महीने बाद कंपनी मुझे प्रमोशन देने लगी और मुझे था कि अगर प्रमोशन ले ली तो पैसे बढ़ जाएंगे लालच आ जाएगा दिवम रिजाइन सो आई डिसाइड टू रिजाइन

हमारा बचपन का सपना था कि हमें एम्प्लॉयमेंट देना है पुअर पीपल को तो आ जाए यार पूरा करेंगे ही डेंट एनी क्वेश्चन ही जस्ट सेट ओके गिव मी फिफ्टीन डेज मैं रिजाइन डाल रहा हूँ और मैं पंद्रह मिनट बस पहुंच जाऊँगा आई वॉज वेरी हैप्पी तो नेक्स्ट फिफ्टीन डेज वी मेड अ ब्यूटीफुल प्लान नेक्स्ट फिफ्टीन डेज वी मेड अ ब्यूटीफुल प्लान ऑफ फ्रेंचाइज मॉडल एंड द बिजनेस मॉडल बिकॉज पहला हमारा प्लान तो फ्लॉप हो चुका था तो उस प्लान को वही अप्रोच टू आर यूनिवर्सिटी आर मेंटर्स अगेन एंड दे अगेन हेल्प दस दे गेव अस अ प्लेस टू लर्न द थिंग्स एज अ पायलट प्रोजेक्ट सो आई मेन मोटिव इज नॉट टू अर्न द प्रॉफिट बट आर मोटिव इज़ टू लर्न द थिंग्स बिकॉज ना तो हम हॉस्पिटलिटी सेक्टर से थे ना तो हम एम थे ना हमें सेल्स आता ना हमें चाय बनाना आता बट हमें था कि हमें वहाँ एक जगह मिल गई है जहाँ पर हम लर्निंग कर सकते हैं वही डेड सिक्स मंथ्स ऑफ दैट पायलट प्रोजेक्ट वी हैड अ कॉन्टिन्यूस लॉस एवरी मंथ एंड हर लेकिन हमारा मेन लास्ट लॉजिक क्या था कि हमें हर मिस्टेक से कुछ ना कुछ सीखना है एंड वी लर्न विद एवरी मिस्टेक एंड आई थिंक डैट सिक्स मंथ्स ऑफ पायलट प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी गेव अस अ चांस टू ओपन आर फर्स्ट आउटलेट इन साइड द यूनिवर्सिटी कैंपस सो गाइज जितना हमारा साल का पैकेज था वहाँ कंपनी में उससे ज़्यादा हमारी एक महीने की सेल्स थी और इतना पैसा हमने कभी देखा ही नहीं था सो वी थॉट दिस इज़ द राइट पाथ जो हमने चूज करा है वी वॉन्ट टू ग्रो आय बिजनेस वी वर्क देयर फॉर टू मंथ्स इन यूनिवर्सिटी एंड आई गॉट अ रैंडम कॉल फ्रॉम पर्सन मुरादाबाद यू पी से ही कॉल सर आई वॉन्ट टू टेक योर फ्रेंचाइज आई सॉ योर प्लेटफॉर्म ऑन इंस्टाग्राम हाउ हाउ वट इज़ द फ्रेंचाइज फीस आई कॉन्फिडेंटली सेट आई सेट वन पॉइंट फाइव लैक इज द फ्रेंचाइज फीस ट्वेंटी वन थाउजेंड इज टोकन मनी दिस इज माई अकाउंट नंबर और एक्चुअली मैं मुझे फ्रेंचाइज का फर भी नहीं पता था कि होता क्या है आई थॉट ठीक है और आई गेव हिम अकाउंट नंबर एंड इन जस्ट फाइव मिनट्स ही गेव मी ट्वेंटी वन थाउजेंड रुपीज़ आई वॉज शॉक एक कॉल करा डेढ़ लाख की डील क्रैक इक्कीस हज़ार अकाउंट में ये तो ब्रिलियंट बिजनेस है आई कॉल सिमरन आई सेड सिमरन इक्कीस हज़ार अकाउंट में आए होंगे एंड आई क्रैक वन फ्रेंचाइज डील ही सेट वॉट इज टोटली शॉक कह अभी तो हम भी काम शुरू करा और फ्रेंचाइज़ कहाँ से आ गई तो आई सेड आई सोल्ड इट कहता कितने पे मैंने डेढ़ लाख पे कह रहा कैसे मैंने कहा वो नहीं पता वो ढूंढ लेंगे कैसे करना है <laughs> तो वही स्टार्टेड फाइंडिंग द प्रोसेस कि कैसे वई स्टार्टेड लर्निंग द प्रोसेस कि कैसे फ्रेंचाइज देते हैं हाउ टू क्रिएट अ ब्रांड बिकॉज पीपल आर ट्रस्टिंग टू आस राइट राइट नाउ वी हैव टू क्रिएट द ब्रांड सो वी स्टार्टेड प्रिंटिंग डिस्पोजल हायर्ड शेफ्स हायर्ड स्टाफ डिजाइनर्स मैनी थिंग और ऑलमोस्ट दस दिन पहले हमारी फर्स्ट आउटलेट ओपन होने से कोविड आ गया सो एंड नाउ वी ऑलरेडी इन्वेस्टेड अराउंड टेन टू ट्वेल्व लाख रुपीज़ इन डिस्पोजल्स इन हायरिंग शेफ स्टाफ एवरी थिंग एंड उसके जो पैसे थे वो भी हम लगा चुके थे एंड ही कॉल मी दिवम आई वॉन्ट माई मनी रिफंड बिकॉज कोविड आ गया पता नहीं कब तक तो होगा तो ही वॉन्ट मनी रिफंड आई थाट कि पैसे तो मेरे पास है नहीं बट एट दैट टाइम इन कोविड आई डेंट टेक दैट कोविड एज अ फेलियोर वी टेक इट एज एपॉर्चुनिटी फॉर अस हमें था ठीक है यार अब टाइम मिल गया नाउ वी कैन क्रिएट अ गुड मॉडल बेटर मॉडल ऑफ़ फ्रेंचाइज और उसको हम देख लेंगे आई कॉल्ड है आई सेट कि प्लीज बी विद अस विल टेक केयर ऑफ आउटलेट डोंट वरी विल टेक फिफ्टी थाउजेंड विल गिव फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज ऑफ तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए सो so, थोड़ा सा लालच दिया ही एग्री क्या ठीक है मैं आपके साथ ही जुड़ूंगा सो आई आई रियली वॉन्ट टू शेयर वन स्टोरी ऑफ माई कोविड टाइम आई आई सेट जस्ट थिंक मैनी टाइम इन कोविड मैनी बिगनी कंपनीज को लैब्स मैनी फायर्ड पीपल मैनी गिव हाफ सैलरीज टू द स्टाफ बट आई फील रियली प्राउड रियली प्राउड वेन आई से दिस आई हैवे स्टाफ ऑफ सेवन पीपल एट दैट टाइम एंड आई पेड फुल सैलरी टिल द एंड ऑफ द कोविड बिकॉज माई फैमिली सेट दैट दीज पीपल आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव टू गिव सैलरीज तो दैट्स वाई आई थिंक वो उनको आप चाहे पचास हजार रुपये देंगे जो पंद्रह हज़ार की सैलरी पर वो कोई नहीं जाने वाला वह सब मेरे पास ही रहने वाला है दैट इज द आइट्रेशन रेट वी गेंड सो आफ्टर द कोविड First month, we are totally ready with the franchise model. So, we cracked three deals in big cities in Bangalore, Delhi, and Meerut, each with three lakh rupees of franchise. So, we thought, the failure tha hamare liye." Wo humne process gain kara and we cracked three deals. And now, uh, China is having 26 outlets in pan India in seven states, with 120 plus employees, and we are all set to open 50 outlets in this next six months. Uh, rather than this, uh, we are not just in the tea cafe segment; we are in the retailing market also, and also we have uh, created a model of gifting segment for corporates. Along with this, we have created two technology machines also. One is the IoT-based tea vending machine. Second is we are creating the India's Tinest tea cart with a technology-driven. Because my idea is first idea is with vendors. तो आई वॉन्ट कि मैं एक ऐसी मशीन बनाऊँ ऐसी रेडी बनाऊँ जो टाइनेस्ट हो और टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो सो वी आर इन दीज फील्ड ऑल्सो एंड गाइज दीज ऑल थिंग्स वी डिड विदाउट फंडिंग बट आई एम नॉट सिंग फंडिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट फंडिंग इज इम्पॉर्टेंट बट नॉट मैंडेट्री एंड यू नो वट इम्पॉर्टेंट इज इंपॉर्टेंट इज टू एसोसिएट विद राइट मेंटर दीज डेज यूनिवर्सिटीज एंड गवर्नमेंट गेव लॉट ऑफ फेसिलिटीज गेव प्लेटफॉर्म्स टू स्पीक दे गिव इनक्यूबेशन दे गिव ग्रांड फंडिंग मेनी थिंग यू जस्ट नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ जस्ट बिलीव इन योर ड्रीम्स एंड आई थिंक अगर हम लोग कर सकते हैं एक स्मॉल टाउन से डिफरेंट बैकग्राउंड से एक चाय का स्टार्टअप कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं यू जस्ट नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ सो एट लास्ट आई वॉन्ट टू से आई वॉन्ट टू गिव यू सम लेसन्स थ्रूट ऑफ माई जर्नी विच आई लर्न आई गिव यू इन फोर लेसन्स फर्स्ट इज़ पैशन ड्रीम एंड रिस्क सो मेरा पैशन शुरू से ही चाय का था शुरू से ही चाय को देखा था जॉब भी करा बैडमिंटन भी खेल के देख लिया सब कुछ करके देख लिया बट मुझे शुरू से ही चाय का चस्का था तो मैंने अपने पैशन को फॉलो करा सेकेंड थिंग ड्रीम माई ड्रीम इज़ टू गिव एम्प्लॉयमेंट नॉट टू बी एम्प्लॉयड तो मैंने वो एम्प्लॉयमेंट जो पुअर पीपल को देने का बचपन से सोचा था मैंने उसी पे स्टिक करा थर्ड पॉइंट इज रिस्क मेरे पास बहुत अच्छी जॉब थी आई एव अ डिस पैकेज जॉब आई डेंट टेल माई पेरेंट्स कुछ बैकअप मनी भी नहीं थी बहुत सारी जॉब छोड़ी और मेरा फर्स्ट आइडिया फ्लॉप हो चुका था सेकेंड आइडिया दोबारा रिस्क लेके वापस लेके आया सो दैट इज द रिस्क दीज थ्री पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट द सेकेंड पॉइंट इज लर्निंग एंड रिसर्च हमें नहीं पता था कि फ्रेंचाइज कैसे बेचना है वी लर्न फ्रॉम द मार्केट वी रिसर्च वी गेट नॉलेज फ्रॉम आर मेंटर्स वी लर्न हाउ टू मेक फ्रेंचाइज प्रोसेस सो लर्निंग एंड रिसर्च अगेन इज द इंपॉर्टेंट पार्ट सो थर्ड पार्ट इज फेलियर फ्रैंकली स्पीकिंग गाइस, एट द एज ऑफ 22, मेरे ऊपर 20 लाख का डेप था क्योंकि हम सैलरीज भी दिए जा रहे थे और हम प्रिंटिंग डिस्पोजल्स भी कर चुके थे और कोविड आ गया था बट हमारे लिए वो प्रॉब्लम भी हो सकती थी हम अपनी कंपनी बंद भी कर सकते थे और टाइम आ भी गया था बट वी नो आर पैशन आर पैशन इज चाय आर ड्रीम इज टू गेव एम्प्लॉयमेंट दैट इज वाई वी नो फेलियर नहीं है ये सक्सेस का पार्ट है पैशन और ड्रीम रखेंगे तो फेलियर तो आते रहेंगे ये सब लर्निंग है एंड द लास्ट पॉइंट इज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू लाइक अगर आप एटीन ट्वेंटी सेंचुरी से देखते हैं तो शुरू में हम लोग मिल्क टी पीते थे मिल्क टी मिल्क टी मिल्टी ट्वेंटी एथ के बाद सेंचुरी के बाद ग्रीन टी शुरू हो गई ग्रीन टी ब्लैक टी मिन टी रोज टी दीज काइंड ऑफ थिंग्स कोविड आया उसके बाद लोगों ने इम्यूनिटी टी आयुर्वेदा टी दिस ये, ये चाय शुरू कर दी अब मार्केट में आजकल इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है दट यू कैन सर्वाइव विद जस्ट ओल्ड थिंग्स यू हैव टू

All focus on these four points. Nobody can stop you. You just need to believe in yourself, believe in your dreams. Thank you so much. Now this is the story of a small town startup founder, <laughs> Devam Vadva, signing off. Thank you.